हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश के एस, और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप प्रोजेक्ट IGI को अपने न्यू पीसी में चला सकते हैं। पता है दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जो हम IGI चलाते हैं ना, ये IGI बहुत पुरानी गेम है, तो ये न्यू पीसी में अटक के चलती है, क्योंकि उस समय में भाई विंडोज 7 XP या फिर ये मतलब XP तो हुआ करती थी, विंडोज 10 8 7 ये नहीं हुआ करती थी, तो ऑप्टिमाइज नहीं है ये उस हिसाब से। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे आप इसको इजीली खेल सकते हैं अपनी पीसी में, न्यू पीसी में, ठीक है। तो दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो फिर चलो यार, दोस्तों हम आ चुके हैं मेन वीडियो पार्ट में। तो इसमें हम आपको सबसे पहले चला के दिखाएंगे एक बार कि देख लेते हैं कैसे चलती है विदाउट एनी कुछ किए हमारे, ठीक है। तो ये रहा गेम प्ले उसका। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई गेम तो काफ़ी लैगी है और FPS भी 3 या 4 शो कर रहा है ऊपर मुझे, आपको नहीं दिख रहे होंगे पर मुझे दिख रहे हैं 4 या 5 FPS आ रहे हैं। तो यार कुछ इम्प्रूवमेंट हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो भाई अनप्लेबल है गेम बिल्कुल ही। तो दोस्तों अभी हम करते हैं गेम को क्विट और अभी हम करते हैं इसको एडिट। तो दोस्तों अगर आपको करनी है गेम एडिट, तो सबसे पहले आपको मेरी ये वाली फाइल IGI पैच डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज यूजुअल। वहां पे जाके आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद एक कैप्चा आएगा, कैप्चा का जो वर्ड लिखा है एग्जैक्टली उसको उठा के आपको नीचे लिख देना है, फिर डाउनलोड कर लेना फाइल को। मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पहले से ही डाउनलोड फाइल पड़ी है, मैंने तो खुद बनाई है यार, तो मुझे तो पता ही होगा। वैसे मैंने बनाई नहीं है, मैंने भी कहीं और से डाउनलोड किया, पर मैंने इसको सीक्वेंसली मतलब अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों आपको डाउनलोड करने के बाद आपको आना है अपनी गेम में जहां पे आपने गेम अपनी इंस्टॉल की हुई है। दोस्तों मैंने अपनी गेम यहां पे इंस्टॉल की है इस फोल्डर में, एग्जैक्टली जैसे मैं कर रहा हूं वैसा ही करें, नहीं तो आपकी ये गेम सेट नहीं होगी। जैसे मैं फाइल उठा के डाल रहा हूं, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही डालना है। तो डालने के बाद आप विंडोर को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद विंडोर को आपको खोलनी है ये वाली फाइल जो आपको दिख रही है यहां पे, इस पर डबल टैप कीजिए और इस पे आपको यहाँ पे जाके वी रैम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में आपको एक वी रैम का स्लॉट दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आपको अपनी वी रैम सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास वी रैम हाई है तो आप हाई सिलेक्ट कीजिए, तो लो कीजिए। मैं अभी हाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पीसी थोड़ा अच्छा खासा है, इस करके मैं हाई क्वालिटी ले रहा हूँ। अगर आपके पास पुराने पीसी है थोड़ा सा और ओल्ड वाला, तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, आपको दिख रहा है। कोई भी सिलेक्ट करके देखो उनमें से, जो आपको ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको करने के बाद आपको करना है अप्लाई पे क्लिक और उसके बाद ओके, इसको क्लोज कर देना है, उसके बाद गेम को दोबारा चला के देखना है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारी गेम बहुत ही बढ़िया चल रही है अभी, इजीली आप देख रहे हो बिल्कुल फ्लॉलेस गेम चल रही है। तो अगर आपकी फिर भी नहीं फ्लॉलेस चल रही, तो आप हमारा एक और स्टेप है इसके बाद, वो भी आप देख सकते हैं। वैसे मैं गारंटीड से आपको कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर आपकी ईजिली चल पाएगी, ठीक है। तो अगले स्टेप की ओर आते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि जिन लोगों की नहीं चली वो वाला स्टेप ये देख रहे हैं, तो इसमें आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आपको कंपैटिबिलिटी टैब ढूंढनी है, मिल गई। उसके बाद आपको वहाँ पे विंडोज़ XP सर्वर पैक 3 या फिर जो ओल्ड आपके में आ रहा हो ना, वो सिलेक्ट कर लेना, XP सर्वर पैक 3 या 2 में से कोई। उसके बाद आपको नीचे जाना है, वहाँ पे नीचे आपको मिलेगा एक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ पे आपको टैप कर देना है और अप्लाई एंड ओके करना है आपको। उसके बाद आपको गेम दोबारा चला के देखनी है, इस बार गारंटीड से मस्त चलेगी भाई, बिल्कुल दबा के, ठीक है दोस्तों। तो ये थी बात, आशा करते हैं आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर आपको ये काम आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब मारें, और अगर आपको IGI गेम पसंद है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने भाई IGI 1 और 2 दोनों कंप्लीट करके गिरी हुई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। और हम और भी अच्छी अच्छी गेम्स आगे लेके आएंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, पीस ओवर एंड आउट।